सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा सेकंड ब्लॉग है। और थैंक यू सो मच हमारे फर्स्ट ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए और इतना मोटिवेट करने के लिए हमें। और जैसा कि आप लोगों की कमेंट आ रही थी कि ब्लॉग क्यों नहीं डाल रहे हो, तो उसके भी कुछ रीजंस थे, बहुत जल्द शेयर करेंगे। तो अभी आज का ये सेकेंड ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना वीडियो को और कमेंट तो करते चलना यार, ठीक है। तो आज का ये ब्लॉग है, बेसिकली जो अभी का ब्लॉग होने वाला है वो मेकअप ट्यूटोरियल कह सकते हो, या फिर मैं कहीं के लिए रेडी हो रही हूँ तो मैं दिखाती हूँ एक बारी कि कैसा लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं आता मुझे मेकअप करना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। होप आप सबको पसंद आए, बताना कमेंट करके यार कैसा लगा। हाँ, अगर कोई मिस्टेक भी हो जाए ना तो यार मैं बहुत परफेक्ट नहीं हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राइमर अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि प्राइमर हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है। फिर हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे, पहले हम अपना प्राइमर सेट कर लेते हैं। मैं बहुत बहुत लिमिटेड मेकअप करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा पता भी नहीं है, बट स्टिल ट्राई कर रही हूँ कि अच्छा हो, जो भी हो अच्छा हो, अच्छा होगा, पक्का अच्छा होगा। डोंट वरी यार। तो सेकंड स्टेप ट्राई करते हैं यार, अपना हो गया यार, प्राइमर हो गया। मैं ये कंसीलर स्टिक यूज़ कर रही हूँ यार। कंसीलर होता है अपने ऊपर ओपन पोर्स जो होते हैं ना हमारे, उसको हाइड करने के लिए। यार मेरे को ना यहाँ पे बहुत सारे कुछ है, वो होता है ना, जब बस बहुत यार हाइड कर लेती हूँ यार मैं इसको। आई होप कि यार ये सही से हो जाए, हो जाएगा, लेकिन बस कंसीलर का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है यार कि कंसीलर से ना अपने ओपन पोर्स कम हो जाते हैं, वो दिखाई नहीं देते, और मेरे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। सो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। देखो यार कंसीलर लगाते ही अलग पता चल रहा है यार, मेकअप स्टार्ट हो गया है। मतलब अभी के लिए तो हमारा कंसीलर तो हो गया है यार। अभी मैं यूज कर रही हूँ यार ये सुगर का फाउंडेशन स्टिक, बहुत मस्त है यार, मैंने यूज किया है, मस्त है। और इसका बेस्ट पार्ट ये है, इसमें ब्रश भी है, आपको ब्लेंड करने के लिए कोई और ब्रश या ब्लेंडर की ज़रूरत नहीं है। तो चल यार, पहले ना मेरी थ्रेडिंग नहीं हुई है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा शेप मिल जाए ना, ताकि पता ना चले यार। इससे यही होगा यार कि पता नहीं चलेगा, बहुत ज़्यादा दिखेंगे ही नहीं, मतलब शेप आ जाएगी थोड़ी, ठीक है। वैसे जो है ना, मतलब ऐसे करना चाहिए कि ऊपर की स्किन को मतलब फोरहेड को ऊपर की साइड और नीचे का जो अपना पार्ट होता है उसको नीचे की साइड ड्रॉ करना चाहिए। मेरे को नहीं पता, मेरे को किसी ने बताया है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। चलो ब्लेंड कर लेते हैं। नोज पे तो भूल ही गई मैं, ठीक है, बहुत हो गया यार, ब्लेंड कर लेते हैं।
देखो थ्रेडिंग का ना अच्छा लुक आ जाएगा, मतलब ऐसे लगे क्योंकि हाँ बनी हुई है, ऐसे नहीं लगेंगे बिखरी बिखरी सी। यार मेरे लिए ना सबसे टफ काम है थ्रेडिंग कराना, मतलब मैं करा ही नहीं पाती हूँ कभी भी, हमेशा ऐसा ही होता है कि मेरी थ्रेडिंग टाइम पे हो ही नहीं पाती है। चलो जल्दी जल्दी से इसको ब्लेंड कर लेते हैं। वैसे बढ़िया है ब्रश भी इसका, अच्छे से ब्लेंड कर देता है वैसे तो। बस ऑलमोस्ट हमारा ब्लेंड होने वाला है। वैसे आप जितने अच्छे से ब्लेंड करोगे ना, स्किन में जितना अच्छे से सेट हो जाएगा आपका मेकअप उतना लंबा टिका रहेगा फॉर श्योर, इसमें कोई डाउट नहीं है यार। तो अच्छे से ब्लेंड किया करो, जब भी मेकअप करो अपना अच्छे से ब्लेंड कर लिया। यार देखो यार थ्रेडिंग की शेप देखो, मैंने बनवाई नहीं है फिर भी शेप अच्छी आ रही है, मतलब लग रहा है ऐसे कि हाँ यार बनी हुई है, मतलब ऐसे बिखरी हुई नहीं लग रही बहुत ज़्यादा, जैसे हो रखी थी सही हो गई है फिलहाल के लिए। वैसे ऑलमोस्ट मेरा ब्लेंड हो चुका है फाउंडेशन, ठीक ब्लेंड हुआ है ना यार। हो गया यार, यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मेरे इस पे कुछ ब्लैक ब्लैक नहीं, यार मच्छर ने काट रखा है इसलिए वो अलग से दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट डन भैया, फाउंडेशन हो चुका है और ब्लेंड भी हो गया। यार एक बार मैं फिर भी ना मतलब थोड़े से सेटिस्फेक्शन के लिए ब्लेंडर यूज़ कर लेती हूँ यार। वैसे तो अच्छा ब्रश है उसका भी, जो शुगर की फाउंडेशन स्टिक में आता है ब्रश अच्छा है, बट फिर भी यार एक बारी कर लेती हूँ, अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा ना तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उभरा हुआ भी ना मेरे को बहुत अजीब लगता है इसलिए। वैसे शादी से पहले मेरे को बिल्कुल मेकअप का एम तक नहीं आता था, शादी के बाद थोड़ा बहुत करना स्टार्ट किया। शादी के बाद तो बिल्कुल, मतलब शादी के टाइम पे भी मैंने फर्स्ट टाइम मेकअप कराया था, उस टाइम पे भी ये था कि यार ये ज़्यादा नहीं हो गया, ज़्यादा नहीं हो गया, मैं पार्लर वाले वाली को बोली ज़्यादा हो गया शायद, वो कह रही नहीं नहीं दीदी इतना तो करना ही पड़ता है। मैंने कहा पता नहीं यार बस ज़्यादा ना हो गया हो। ठीक है यार अब हम यूज़ करेंगे शुगर की ये 3-in-1 पैलेट, इसमें आपको कंटूर रिंग के लिए कंटूर मिल जाएगा और क्या कहते हैं हाइलाइटर भी है इसमें और ब्लशर भी है, लेकिन मेरे को ब्लशर इसका बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरे को सबसे बढ़िया जो ब्लशर लगता है वो फेसेस कैनेडा का लगता है। एक मिनट गाइस, एक मिनट, सबसे बढ़िया ब्लशर है यूज़ करके देखना, मैं अभी दिखाती हूँ, बहुत नेचुरल लुक देता है। कंट्रोल कर लेते हैं, आई होप सही से हो जाए यार सब कुछ। आई एम ट्राइंग टू, भाई मैं नोज़ को साफ करने की कोशिश कर रही हूँ, आई होप हो जाए यार। ठीक है इतना तो बहुत है, बस मैं फॉरहेड को कंट्रोल नहीं कर रही हूँ और चिन को भी नहीं। एक काम करते हैं साथ के साथ ही ना हाइलाइटर यूज़ कर लेते हैं, मतलब मिड में फिल कर लेते हैं, होप कि अच्छे से सब कुछ हो जाए, अच्छा लगे यार। चलो अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं। लोग बोलते हैं आई मेकअप कंप्लीट करना चाहिए और मैं बाद
सो फाइनली गाइज आई एम रेडी और ये मेरा मेकअप लुक आर्ट का। और अभी फ़िलहाल तो मैं भोलू का वेट कर रही हूँ, देख रही हूँ कि आ जाए आ जाए, फिर हम लोग निकलते हैं और दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं यार। ठीक है तो मिलते हैं बाद में जब भोलू आते हैं और निकलते हैं। कैसा लगा मेकअप लुक बताना ज़रूर, कमेंट करना यार। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं हूँ, बट स्टिल मैंने ट्राई किया यार।